अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म एग्ज़ाम स्प्रिंग 2023 को रिशेड्यूल करने का लिंक ओपन हो चुका है। इसकी लास्ट डेट क्या है, पेपर किस दिन होगा, ये तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि आपका रिशेड्यूलिंग ऑफ पेपर के हवाले से आया है। नोटिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या डिटेल्स आ रही हैं कि आपको जो है रिक्वेस्ट जो फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ मिस्ड और अनप्लान्ड पेपर के लिए रिक्वेस्ट जो है वो ओपन हो गई है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं रीशेड्यूलिंग ऑफ मिस्ड और अनप्लान्ड पेपर के लिए, तो वो दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने पेपर को रीशेड्यूल करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है कि रीशेड्यूलिंग जो पेपर है वो वन टाइम ही आपको चांस दिया जाएगा और इसकी जो फ़ीस है वो रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, आपको फ़ीस वापस नहीं की जाएगी चाहे आप पेपर में अपेयर हो या ना हो। उसके बाद में इसकी जो लास्ट डेट है रीशेड्यूलिंग के लिए अप्लाई करने की वो आपकी 23 जून है, ठीक है, चाहे वो ओवरसीज़ हो या लोकल हो। और आपका जो रीशेड्यूलिंग वाला पेपर है वो आपका 25 जून को कंडक्ट किया जाएगा ओवरसीज़ और लोकल स्टूडेंट्स का, ठीक है। इसकी जो एक प्रिस्क्राइब फ़ी है वो आपकी 2000 है। यहाँ पे मिस्टेक है, इस आपका जो है वो कब तक पे कर सकते हैं उस फीस को, आप स्प्रिंग 2023 फाइनल टर्म एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम से पहले पहले आपको वो फ़ीस पे करनी होगी। ये नहीं है कि अभी आप पे करेंगे तभी आपका पेपर रिशेड्यूल होगा, आप पेपर को सिंपली रिशेड्यूल करवा के अपना पेपर में अपेयर हो सकते हैं, फ़ीस आप बाद में भी पे कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार अब क्या है, प्रोसीजर क्या है कि आपने VULMS में लॉगिन होना है, फिर उसके बाद में आपने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे एंड देन आपने पेपर रिशेड्यूलिंग के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी आपका प्रेफर्ड सिटी होगा वो आप वहाँ पर लिस्ट डाउन में ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। और अगर आप ओवरसीज स्टूडेंट हैं तो वो आपने प्रेफर्ड सिटी ओवरसीज़ करनी है, फिर आपने सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है। जब आपकी रिक्वेस्ट ड्यूली प्रोसेस्ड होगी तो कन्फर्मेशन आपको जो आपके ईमेल एड्रेस पे जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया गया उस पर आएगी, ठीक है। और वो जो ईमेल एड्रेस है वो आपका यूनिवर्सिटी की जो आपकी आईडी है उसके साथ जो ईमेल एड्रेस होता है उस पर आएगी, ठीक है। और वो 24 से 48 आवर्स तक उसकी प्रोसेस के लिए टाइम लगेगा। और उसके बाद में जो इसका शेड्यूल है रिशेड्यूल पेपर का वो एक मरतबा एग्जामिनेशन एंट्रेंस स्लिप पे आपके अपडेट कर दिया जाएगा। आपको जो है अपनी न्यू जो फ्रेश एग्जामिनेशन स्लिप है वो निकालनी होगी, ठीक है। और कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो इस जो ईमेल एड्रेस पे आप टिकट पोस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह से पेपर को रिशेड्यूल करने के लिए रिक्वेस्ट, आपने LMS को लॉगिन करना है, 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने स्टूडेंट सर्विसेज के ऑप्शन में जाना है। जैसे स्टूडेंट सर्विसेज के ऑप्शन में आप जाएंगे यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में सेकंड लास्ट पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर रिशेड्यूलिंग ऑफ पेपर, इस पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी आईडी और तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे इन स्टूडेंट का कोई पेपर मिस नहीं हुआ, जो जो आपके पेपर मिस हुए होंगे तो यहाँ पे नीचे मिस्ड पेपर में इसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। एक बात याद रखें, पेपर को बेवजह मिस मत करें क्योंकि पर पेपर की जो फ़ीस है वो 2000 है। अगर कोई स्टूडेंट 10 पेपर या 5 पेपर में मिस करता है तो उसको फिर उस हिसाब से पर पेपर 2000 पे करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा पेपर होंगे उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। उसके अलावा जो है वो आपको एक ही दिन में आपके सारे पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं आपको दिए जाएंगे। अगर आपने 3 पेपर भी मिस किए हुए हैं तो एक ही दिन में आपके सारे पेपर कंडक्ट होंगे 25 जून को। तो कोशिश करें जो आपके पेपर्स अभी पड़े हैं उनको बेवजह जो है मिस मत करें और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओ फॉर द बेस्ट, अल्लाह।